अजय दांगी सर हैं। सर एक सवाल है कि इस तरह की पहली यात्रा 65% आरक्षण को लेकर आप लोगों ने किया है, एक तरफ लोग कांवर यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप लोग हक अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? एक पद यात्रा का दूसरा दिन है, हम लोग टेकारी में भी हैं और टेकारी से चल कर के कुर्था के लिए जाएंगे। जगदेव की मूर्ति पर वहाँ पर माल्यार्पण होगा सर, जगह जगह पर सभा होगा। और ये जो पद यात्रा है SC ST OBC को जगाने के लिए हम लोग पद यात्रा निकाले हैं कि जिस तरीके से देश में न्यायालय ने और भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके आरक्षण को खत्म कर रही है, तो हम चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए जो संविधान है, अगर संविधान नहीं रहता तो आज जिला परिषद मुखिया विधायक राष्ट्रपति MLA कोई नहीं रहता। तो कुछ सामंतवादी जो लोग हैं इस देश में रहने वाले, न्यायालय के सहारा लेकर के, सरकार के सहारा लेकर के आरक्षण को खत्म कर दिया है, जो कि लोकतांत्रिक देश है, प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार है। और ये राज्य सरकार द्वारा, महागठबंधन सरकार के द्वारा आरक्षण बढ़ाया गया था। सर जगदेव बाबू के जो स्थल है, स्मारक है, वहाँ आप लोग खत्म करेंगे इसको? उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पे, 90 भाग हमारा है। भागीदारी को लेके उनकी लड़ाई सब दिन रही थी, लड़ाई लंबी है और कई कठिनाइयाँ भी हैं, तो और आगे क्या प्लानिंग है आप लोग को? सड़क छोड़ेंगे नहीं, इस मसले पर सड़कों पर लड़ेंगे? उन्होंने मरने के पहले लिख कर गए थे और कह करके गए थे कि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन इस देश के सामंतवादियों से भी देश आज़ाद नहीं हुआ है। उसी को लेकर के हम लोग पद यात्रा कुर्था में पहुँचेंगे, क्योंकि जगदेव बाबू का जो सपना था हम लोग पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। और लिखे भी थे कि पहला पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरा पीढ़ी गोली खाएगी और तीसरा पीढ़ी राज करेगी, वो समय आ गया है। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग इस बार जन आंदोलन कर करके जगाने का काम करने के लिए हम लोग यात्रा को निकाले हैं। ये जो पद यात्रा का कार्यक्रम है, ये राज्य की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए है, देश की समृद्धि के लिए। और हम लोग बखूबी जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी राज्य अथवा देश का समृद्धि और विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस समाज में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले, उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का विकास नहीं हो जाता है, वो समृद्ध नहीं हो जाते। तो जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, उसको पाटने के लिए पद यात्रा है। समृद्धि इस मायने में कि इस देश के जितने भी साधन संसाधन, इस राज्य के जितने भी साधन संसाधन, उन साधन संसाधनों पर, आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को समुचित, उसकी आबादी के अनुरूप उसको हिस्सेदारी मिले, इस मांग के लिए इसको लेकर के ये पद यात्रा है। अभी कुछ दिन पूर्व बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, 17 महीने की सरकार, जिसमें हमारे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयासों से सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को जातीय सर्वेक्षण के आधार पर आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन शिक्षा रखने वाले, दोहरा मापदंड रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो है अदालत का सहारा लेकर के इसको वापस कर दिया। तो आज का जो पद यात्रा है, जो कल से चल रहा है गया से जी, 2 दिवसीय पद यात्रा, ये उस 65% आरक्षण को फिर से लागू करने की मांग को लेकर के, पुनः बहाल करने की, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के, 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने से कोई कानूनी पचड़ा नहीं, इस पर कोई भी न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं कर, तो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की मांग को लेकर के, और साथ ही साथ राज्य अथवा देश की कुल नौकरियों में 80% जो भागीदारी है वो निजी क्षेत्र की नौकरियों की, तो निजी क्षेत्र में ये आरक्षण अभी तक लागू नहीं है, तो इस आरक्षण को निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी लागू किया जाए लेकर के हमारा पदयात्रा।
चल रहा है, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, तो सत्याग्रह के माध्यम से पद यात्रा गांधी जी का अनुसरण अनुकरण करते हुए सत्याग्रह हम लोग संविधान के दायरे में रह करके और समाज को, देश को, देश की शासन व्यवस्था को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर देश और समाज का विकास करना है तो इस देश में निवास करने वाले जितने भी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं उस सब का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, और उसी को लेकर के हमारी ये पदयात्रा है जो कुर्था तक आज जाकर के समाप्त होगी। कुर्था अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत स्थल पर उनको माल्यार्पण करके हम लोग संकल्प लेंगे, क्योंकि मजबूत समाज निर्माण करने के उद्देश्य से ही उनका जो आंदोलन था वो बस उन्होंने छावर किया, तो उन्हीं के पास जाकर के हम लोग संकल्प लेंगे इस देश को, राज्य को समृद्ध करने का, विकसित करने का। एक सवाल है सर, 1 नवंबर 2017 को नीतीश जी ने समान प्रशासन विभाग की बैठक में छुट्टी दिलवाई थी, जो 800 होगी उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। खूब खबरें भी छपी थी कि बिहार पहला राज्य बन गया देश में जहाँ आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में मिल गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है। हमने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि दोहरी मापदंड रखने वाली केंद्र में सरकार है। अभी ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण हुआ दिया गया था 10% पिछली सरकार में। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को न सिर्फ सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी वहीं से वो पारित करके भेजा गया कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है वो निजी क्षेत्र में भी लागू होगा। बेशक लागू होना चाहिए, हम उसके समर्थन में, लेकिन जब आरक्षण सभी वर्गों के लिए है तो उसको भी साथ साथ जो है सभी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, वहाँ लागू होना चाहिए। यहाँ पर नीतीश जी पर प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ सानिध्य में रहे हैं, तो एक ठो हम लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के साथ सानिध्य का असर है कि नीतीश कुमार जी विधेयक पारित तो करते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में इस आशय का प्रस्ताव तो लाते हैं, मुहर लगाते हैं, लेकिन धरातल पर उसको उतारने का काम उन्होंने नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सानिध्य का ही असर है नीतीश कुमार। एक सवाल और है सर, ईडब्ल्यूएस का देखा जा रहा है, जितनी भी अभी वैकेंसी आई है, रिजल्ट आए हैं, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जाता है, इसको लेके कोई आवाज कहीं नहीं उठती है। आवाज कट ऑफ की बात है, कट ऑफ का मतलब कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो बच्चे पढ़ने में कुशाग्र हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं, तो ओबीसी से प्रमाणित होता है, कट ऑफ जा सकता है, ये प्रमाणित करता है। ईडब्ल्यूएस के कम आ रहे हैं ओबीसी के बनिस्पत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी अलग है, ठीक है, ओबीसी का कैटेगरी अलग है, ओबीसी के बच्चे जो है वो कुशाग्र बुद्धि के हैं, ये प्रमाणित करता है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि ओबीसी में भाई ये उनके पास जो है क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कटअप देखने से ही पता चल जाता है कि बुद्धिमत्ता के मामले में भी ओबीसी या जितने भी जो लोग हैं, तो वो दूसरा विषय है। ओबीसी का कटअप जो है ये प्रमाणित करता है कि ओबीसी में भी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं। कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो शहीद स्थल है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, सभा होगी और वहीं पर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जिस तरह से केंद्र की सरकार SC ST OBC के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है निजी क्षेत्र की नौकरियां में, और निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां हैं, उसमें कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार जब बिहार में 17 महीने के लिए बनी थी, उस समय डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने जातीय जनगणना करवाया और जनगणना के आधार पर 15% आरक्षण जो है बढ़ाया गया। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और हम लोग चाहते हैं कि 65% आरक्षण SC ST OBC के लिए संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल हो, क्योंकि कानूनी पचड़ा से उसको दूर रखा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग यात्रा में चल रहे हैं, आज यात्रा का दूसरा दिन। कहाँ से ये यात्रा शुरू की? यात्रा गया से शुरू हुई है, कल हम लोग गया से चले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, और रात्रि में हम लोग कहीं पे गाड़ी में विश्राम था, आज दूसरे दिन की यात्रा है जो हम समाप्त होंगे। तो किस तरफ से जाएंगे यहाँ से पदयात्रा के लिए? पदयात्रा के लिए जो मेन रोड है, मानिकपुर है,
मऊ है, सब होते हुए हम लोग निकले कुर्था निकलेंगे। हाँ वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, माल्यार्पण और हम लोग सभा जो है नुक्कड़ सभा जगह जगह पर करते जाएंगे। लोगों को जगाना हम लोग का मिशन है कि इस देश का जो सोया हुआ है SC ST OBC उसको जगाने निकले, जागो, अपना अधिकार के लिए लड़ो और इस पदयात्रा में भारी से भारी संख्या में शामिल। कल सर बजट भी आया है, उम्मीद थी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बातचीत होगी। बजट में जो है, हाँ बजट में क्या हुआ ना, बजट में तो झुंझुना थमा दिया बिहार को। जिससे बजट से पहले आपको मैं याद कराता हूँ 2014 जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि 60 लाख करोड़ लोग, 70 लाख करोड़ लोग, 80 लाख करोड़ लोग, 125 करोड़ देने की, 125 करोड़ लाख देने की बात किया था। क्या उन्होंने अभी तक दिया? बजट में 2600 करोड़ लगता है कि उसका प्रावधान है, जो कार्य पहले से चल रहा है, जैसे एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, और एक इसका भी घोषणा पहले हो चुका था पावर प्लांट का। तो ये सब सिर्फ जो है आई बात से बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया है। अगर उनको देना था तो बिहार में 10 गो फैक्ट्री लगा देते हैं, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल जाता है, एग्रीकल्चर को डेवलप। हमारा बिहार में जो है 84 से 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इसको अगर आप उद्योग का दर्जा दे एग्रीकल्चर को तो देश डेवलप करता है। और मैं बताता हूँ कि एक समय जो है अमेरिका भी 97% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, आज देखिए कितना डेवलप किया, वहाँ 3% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया है।